नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सीएबी का लोकसभा और राज्यसभा में जेडीयू ने समर्थन किया और इस समर्थन के विरोध में जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर खड़े हो गए, अपनी ही पार्टी के फैसले की मुखालफत करने लगे। और सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं बल्कि पवन वर्मा और दूसरे नेता भी पार्टी के फैसले के खिलाफ नजर आए, तो जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल किया। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, लेकिन क्या इस डैमेज कंट्रोल के बाद भी जेडीयू को सीएबी का समर्थन लोकसभा और राज्यसभा में भारी पड़ गया है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पार्टी को समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जेडीयू के अंदर खाने से जो नाराजगी उभर कर सामने आ रही है वो अब खुलकर सामने आ रही है। जेडीयू के एक महासचिव ने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। जेडीयू बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव ख्वाजा साहिद ने एनआरसी और सीए के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। और सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि ख्वाजा साहिद ने सीएम नीतीश कुमार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। ख्वाजा साहिद ने कहा है कि एक तरफ सीए का समर्थन कर केंद्र के सीए के फैसले का समर्थन कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सीएबी का लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन किया है, दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ये दोहरी नीति है और इस दोहरी नीति के खिलाफ मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जेडीयू अल्पसंख्यक प्रदेश के जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ख्वाजा साहिद ने इस्तीफा दे दिया है सीए एनआरसी के विरोध में। आरोप लगाया है सीएम नीतीश कुमार पर की दोहरी नीति अपना रहे हैं सीएम, और इससे पहले भी जेडीयू में नाराजगी के स्वर उठते रहे हैं। पार्टी के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं जिस तरीके से जेडीयू ने लोकसभा और राज्यसभा में सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल का समर्थन किया। और चूंकि सिटीजन अमेंडमेंट बिल सीएबी अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, ये बिल अब कानून बन चुका है, तो माना जा रहा है कि जेडीयू सीए के समर्थन में है। पार्टी के नेता मान रहे हैं, ख्वाजा साहिद जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो मान रहे हैं कि पार्टी सीए के समर्थन में है, भले ही एनआरसी को लेकर कह दिया गया हो कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। ये दोहरी नीति है तो जेडीयू को समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, कीमत चुकानी पड़ रही है। सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं पार्टी के नेता, इस्तीफा दे रहे हैं। जो बड़ी जानकारी आई हमारे पास ख्वाजा साहिद के इस्तीफे की वो हमने आपको बताई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।